चलो रास्ते चलते चलते ये कोई एक थार आंदा है इत्थे मेरे ख्याल च शायद कोई स्कूल है या किश मेरे ख्याल च ये रस्ता होगा कि जेकर तुस अपनी गड्डी जाना चाहते हो शायद स्कूली दी स्हूलत आस्तै और इत्थुआं एह् परतियै पक्का रस्ता गया उप्पर और मेरे ख्याल च छत्तरी आह्ले पास्सै जेह्का रस्ता जंदा ओही ऐ मैं तुसें मित्र सुनाना चाहना मैं ओह् ख'ल्ल आया इत्थुआं चढ़ियै पूरा फ्ही इद्धर चलो कंटिन्यू करने अग्गें भी मेरे ख्याल च जे कुसै छावां बौह्ना होऐ तां एह् थाह्र मेरे ख्याल च बौह्ने आस्तै बनाए दा ऐ लेकिन मेन जिस जगह च मैं जाना चाह्न्नां ओह्दा रस्ता एह् ऐ So guys, I think I'm about to reach. तुम्हें तो मेरे ख्याल चाहिए थोड़ा जहा एक थोड़ी नहीं गैर है मैं ज़्यादा लोग इतने दिखे नहीं कोई गिने चुने के लोग दिखे किश त्रै चार मुड़े पहले गए दो मुड़े हूँ आओ इंदे कन्नै गल्लबात करने और मित्रों क्या हाल है क्या हाल है उपर दो मिनट को गल दो मिनट को गल करो मेरे कन्नै केह् नाम तुंदा अरुण कुमार तुंदा नाम रवि शर्मा ते उपर केह् थाह्र दिक्खने आस्तै व्यू अच्छे है उधमपुर सिटी पूरी लगभग पूरी लगभग ते इधर मतलब लोग आंदे ज्यादातर या घट गए आंदे रहंदे ज्यादा दिन कोके शाम टाइम ज्यादा शाम टाइम ज्यादा आंदे चलो ठीक है चल गया तुंदे ने गलबात करी तो मित्र जी मैं सुनाया कि एक सारे किश मित्र ही जेड़े सुनाया करदे कि शामी वेले लोग ज्यादातर इत्थे आंदे शायद शामी वेले जिस वेले बंदे छुट्टी छट्टी होंदी फिर इत्थे आंदे हाँ चलो चलने अपना सफर जारी रखने थोड़े नहीं करेगा मेरे ख्याल से ये मेरे ख्याल से एक रस्ता है इतने आंदे ही जागे
बस मित्र थोड़ा नहीं रही था एक ही चीज़ है। ये पता नहीं की चीज़ है मित्रों, इमली जेकर तुसें पता था जरूर कमेंट बॉक्स सुनाओ। चलो थोड़ा जहा सफर रही तो बस फिर पुजने वाले अस अपनी गंगेड़ा पहाड़ी की छतरी कश। हाँ तो मित्रों लो जी अस पुजी हैं, ये जी पहली लुकी छतरी है। मैं नहीं पता कदों को लैन आए, मेंटेनेंस वगैरह छोड़ शुरू की है, लेकिन मैं भी बड़ी साले बाद इतने आया है। उस वेले कोई इस किस्म की मेंटेनेंस इतने नहीं आई, लेकिन चलो अच्छा है कि साढ़े प्रशासन की तरफा तो डिवेलपमेंट हो रही है, बड़ी अच्छी गल है। तो मित्रों अस ऑलमोस्ट पुजी गए हैं, वो सामने छतरी तो नहीं तुम सुना कि निके होंगे मैं देखा कि बड़ा शैल नज़ारा इतों का उधमपुर का लगता, तो बड़े साल बाद इतने आया। तो चलो मैं भी नज़ारा दिखा लगा, तो जोड़े मेरे मित्र कदम उधमपुर के गंगेड़ा पहाड़ी छतरी पर नहीं आ रहे हैं तुम तो अपने स्क्रीन उपर दिख सकते हो अपने प्यारे उधमपुर शहर का नज़ारा गंगेड़े की पहाड़ी उपरा। तो मित्रों ये छड है छतरी है जितों खड़ोई अस उधमपुर का नज़ारा दिखना है। तो लो मित्रों अस पुजी गए हाँ उस थार जिस थार मैं अज आना हाँ ट्रैकिंग करते हुए हाउसिंग कलोनी का पैदल चलिए। तो चलो नज़ारा लेते हैं अपने प्यारे शहर उधमपुर का। तो मित्रों मैं यहाँ पर पहुँच तो गया हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उधमपुर की तरफ का जो नज़ारा है वो अभी साफ़ नहीं, क्योंकि धूप जो है वो बिल्कुल सामने की है। धूप सामने की होने की वजह से मुझे शायद थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि अच्छा व्यू आ सके, क्योंकि मैं इतना ऊपर चढ़ गया हूँ तो मैं नहीं चाहता कि बिना अच्छे व्यू को प्राप्त किए हुए मैं यहाँ से वापस जाऊँ। आई नीड टू वेट फॉर सम टाइम ताकि अच्छा व्यू आ सके। सो आई विल बी स्पेंडिंग कपल ऑफ मिनट्स हियर टू गेट द नाइस व्यू। तो तब तक मैं ऐसा करता हूँ कि जो अच्छा व्यू दिख रहा है फ़िलहाल यहाँ का आसपास, जैसे आप देख सकते हैं कि घर भी है यहाँ पे, और तब तक क्यों ना हम ये व्यू देखें। तो मैं क्या करूँगा कि इस छतरी से थोड़ा सा उस आगे की तरफ जाऊँगा और देखते हैं कि अगर कोई हमसे बातचीत भी करे। तो मित्रों यहाँ पर कुछ घर भी हैं और जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर भी अच्छे व्यूज़ मिल सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि आसपास घर भी हैं जिन्होंने पशु वगैरह पाले रखे हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको जितना भी जूम हो सकता है आई विल डू दैट। और ये यहाँ पर कुछ चंद घर हैं। तो मित्रों मैं तो सोच रहा था कि शायद थोड़ा उस तरफ चलते हैं, लेकिन गाँव के घरों में खास एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इनकी पास इन्होंने कुत्ते पाल रखे होते हैं, सो वी हैव टू बी केयरफुल। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि सो मित्रों मैं नीचे की उस तरफ जाता हूँ पहले, एंड देन लेट्स सी वहाँ से क्या व्यू है। देखिए बकरी कहीं जा रही, बकरी ले ले
see the dog. देखो तो पे ही जानी उपर तो काम खराब हो जाना, पर चलो तां भी अस कुसे की आला देइए पूछ के कि मारे थोड़ा कुत्ता बढ़दा नहीं है, जेकर अस उस पासे जाचे तां समझ तो जो प्रॉपर मतलब जो व्यू मैं आपको दिखाना चाहता था मैं उस तरफ नहीं जा रहा, बट थोड़ा सा उस तरफ था, उस तरफ से एक व्यू था मैं चाहता था कि मैं वो मैं आपको दिखाऊं। ये जड़ी झूड़ियाँ नहीं क्या आखते, झूड़ियाँ क्या आखते, ओहो हो मारे ये तो उसे दिखा दे हो, ये जी की निकी निके लाल लाल मिगी नहीं पता है कि तुस अपनी भाषा से इसी केह आखदे हो, भाषा इन द सेंस कि मतलब अपने इलाके च तुसी केह आखदे हो, पर अस इन्हें आखने होने गरने, ये जड़े लाल लाल अजें पक्के दे नहीं हैं, अजें सूहे न, जिस वेले पक्की जाते न तां इंदा जिहड़ा रंग है वह काला हो जाता है, फिलहाल तो सूहे न। मैं बचपन कोला मैं अपने जिहड़े मेरे परिवार हा वो अपने ग्रां दे उंदे कोला ना सुने इन्हीं आखदे गरने। तो अगे चलें मित्रों, तो दिख सकते हो कि इत्थे बड़े सारे बूटे गरने दे गण। खैर उस पासे दा नज़ारा तुसें गी मित्रों अ'ऊं दस्सना चाहना, ते एह् मेरे ख्याल च अ'ऊं आई पुज्जे दा, थोड़ा जेहा उत्थें पत्थर बचाइयै दिखचै। इक साढ़े अंकल होर पिच्छे आए करदे हे मेरे कन्नै रस्ते च, ते ओह् सनाए करदे हे कि गंगेड़ा प्हाड़ी उप्पर औने दे दो त्रै रस्ते न, मतलब दो मेन रस्ते न, इक ते तुस हाउसिंग कलोनी आह्ले पास्से दा आई सकदे हो, ते एक रस्ता जखैनी आह्ले पास्से दा, ते एह् जखैनी आह्ले पास्से दा नज़ारा ऐ मेरे ख्याल च, जेह्ड़ा रस्ता होना उद्धरा गै होना। धुंध होने की वजह कन्नै प्हाड़ साफ नहीं लब्भे करदे हैं, पर चलो जेकर अ'ऊं थोड़ा जिहा जूम करियै जेकर अ'ऊं तुसें दस्सी सकां तां कोशिश करगा। ये जेह्ड़े सामने प्हाड़ ने इंदा नां पता नहीं केह् है, पर जेकर कोई मेरा मित्र इस वीडियो गी दिक्खे करदा है, अगर उ'नें गी पता है कुसै घड़े गी कि इस प्हाड़ दा खासकर जेह्ड़े एह् प्हाड़ ने एह्दा केह् नांऽ ऐ, तां जरूर असें गी कमेंट बॉक्स च दस्सन। ते मित्रों ये जेह्ड़ा नज़ारा है ये है छतरी दे इक्के पास्से दा, मतलब जिस वेले तुस हाउसिंग कलोनी आह्ले पास्से दा आउंदे हो, ते हाउसिंग कलोनी आह्ले पास्से दा जिस वेले तुस उप्पर चढ़दे हो भावें स्कूटी पर भावें पैदल, ते तुस अपने सिद्धा जाना ते जखैनी आह्ले पास्से, ते तुस एह् नज़ारा दिक्खी सकदे हो उत्थे, एह् पिच्छे मेरे इत्थे जाड़ियां ने, ते जियां में तुसें सनाया इत्थे कुसै लोकें दे घर भी हैं। एंड एज आई मेंशनड यू दैट पीपल आर रिसाइडिंग हियर, कुसै दे घर असीं इ'यां बड़ी सकने, जहाँ तक बाग भी नहीं होगा बक्खरी गल्ल है कि जेकर तुस कुसै कन्नै दोस्ती मित्री करियै कर सकदे हो, डंगर शंगर बी लोकें इत्थें पाले दे। ते मित्रों बापस छत्तर आह्ले पास्से जाया करना, ते दिक्खने आं कि जेकर उत्थुआं दा व्यू साफ होया तां अस उत्थें दा व्यू दिखिए।